नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। आज की जो हम बात करने वाले हैं एवरी सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स के लिए 6 सेटिंग्स जिनको आपको तुरंत ऑफ करनी चाहिए। अगर आप एक सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं और जो मैं आपको ये 6 सेटिंग बताने वाला, तुरंत इनको ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको आप ऑफ नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, आपके पासवर्ड किसी और को पता चल सकते हैं। मतलब दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये सेटिंग्स है, कभी भी आपको ऑन नहीं रखना चाहिए। तो चलिए कौन सी वो सेटिंग्स देखेंगे हम वन बाय। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। तो देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग कभी भी पासवर्ड डालते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं फेसबुक का अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि लास्ट का जो डिजिट है ना वो दोस्तों शो करता रहता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर HI। अब दोस्तों अगर बोलो दोस्तों कोई सामने बंदा बैठा है और उसको मतलब वो देखेगा ना तो आप समझ जाएगा कि आप क्या पासवर्ड डाल रहे हो। इसको ऑफ कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, मतलब पता नहीं चलेगा। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपको अपने फोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन के नीचे आना इस तरीके से, और आपको जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स का, इस पर आपको तुरंत क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेक पासवर्ड्स विजिबल, इसको आपको तुरंत डिसेबल कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग डिसेबल करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड डालेंगे तो वो शो नहीं होगा। उसका लास्ट डिजिट देखिए ये है ना, अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो उसका जो डिजिट है ना वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, और पहले जो था वो शो कर रहा था। तो भाई नेक्स्ट सेटिंग है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिसेबल तुरंत कर देना है। क्या है सेटिंग, आप लोग किसी भी सेल्फी को क्लिक करते हैं, कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो आप फोटो की डिटेल्स में आप लोग जाओगे तो देखोगे भाई सारी डिटेल्स है, किस जगह से आपने इस फोटो को लिया, मतलब फोटो के अंदर आपकी लोकेशन भी आ जाती है। देखिए इस फोटो की लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप किसी बंदे के साथ इस फोटो को शेयर करोगे ना तो उसको भी लोकेशन आपकी पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको भाई ऐसा मत करा करो, आपकी लोकेशन किसी और को पता चले ठीक नहीं। तो इसको ऑफ करने के लिए आपको कैमरे में जाना है, कैमरे के ऊपर देखिए कॉर्नर पर सेटिंग है, उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोकेशन टैग्स का, सिंपली आपको इसको ऑफ कर देना है। अब मान लीजिए आप ऑफिस वर्क या किसी अदर काम के लिए अपनी लोकेशन फोटो साथ भेजना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर लीजिएगा, वैसे आप इसको ऑफ रखिएगा। नेक्स्ट सेटिंग हमारी क्या है, इसके लिए आपको फिर से अपने फोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिवाइस केयर का। ठीक है, तो डिवाइस केयर पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेमोरी का, ये रहा, इस पर क्लिक करना है मेमोरी वाले ऑप्शन में। और देखिए रैम प्लस, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा रैम प्लस के बारे में, बहुत लोग तारीफ भी करते हैं रैम प्लस की, बट मैं आपको इसकी असली सच्चाई बताता हूँ। रैम प्लस दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जो रैम प्लस है ना वो आपके फोन का जो स्पेस होता है ना उसकी वर्चुअल मेमोरी आपको देता है। तो मतलब कोई भी फायदा नहीं होता है रैम प्लस को एक्टिवेट करने से, इससे और आपके फोन की एक तरीके से आदत खराब होती है, आपका फोन मतलब ठीक नहीं होता है कुल मिला के। आप इसको हमेशा डिसेबल करिएगा, मतलब इसको रैम प्लस को आपको ऊपर से यहाँ पे ऑन है ना, इसको रिस्टार्ट कर दीजिएगा, ऑफ कर दीजिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग की, इसको आप अपने हिसाब से यूज करना चाहिए, परमिशन मैनेजर की। अगर आप अपने फोन की सेटिंग में जाओगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऐप्स का, आपको जाना है ऐप्स में, देख सकते हो ये रहा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको जाना है परमिशन मैनेजर पे। अब भाई यहाँ पर आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशन है और आपके जैसे कि यहाँ पर कॉल लॉन्ग्स कौन एक्सेस कर रहा है, कितनी एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है, सब आपकी डिटेल्स यहाँ पे मिली, कैमरा कितनी एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है, कॉन्टैक्ट कितनी एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है। जैसे कि यहाँ पर तो कैमरा जो है ना 20 से 37, लगभग यहाँ पर 37 एप्लीकेशन मेरा कैमरा एक्सेस कर रही है। देखिए सारी डिटेल्स आ गई। अब इसको आपको क्या परमिशन देनी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पहली बात तो आपको जो भी ऐसा लगे कि आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं है तो उसको आपको यहाँ पर डोंट अलाउ कर देना है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो ओनली अलाउ वेल यूजिंग द ऐप, मतलब आपको जब भी यूज यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना इसको लगाना है। इससे आपका फोन के जो भी परमिशन होगी ना कैमरे की माइक्रोफोन की वो आपके लिए मतलब एक तरीके से प्राइवेसी के हिसाब से भी ठीक रहेगा, और आपको फालतू में आपको लोकेशन या फिर किसी भी अपनी कैमरे वैमरे की परमिशन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लगाइएगा अगर जरूरी है तो। भाई नेक्स्ट सेटिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल सैमसंग के फोन में हम लोग एच पैनल जरूर यूज करते हैं। अब एच पैनल में दोस्तों एक ऑप्शन होता है आपने, जहाँ पे हम लोग क्लिप बोर्ड एक्सेस करते हैं, क्लिप बोर्ड में कोई भी पासवर्ड हो सकता है, आपके अकाउंट की डिटेल्स हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मेरा क्लिपबोर्ड है, आप लोग सोच रहे हैं मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, देखिए अगर आपके फोन में लॉक भी पड़ा है ना तब भी कोई भी बंदा इजीली आपका जो क्लिपबोर्ड है ना वो एक्सेस कर पाएगा। देखिए मैंने लॉक कर दिया अपने फोन को, अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एच पैनल के थ्रू अपना जो क्लिपबोर्ड है उसको यहाँ पर सिंपली एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको भाई आपको यहाँ पर हाइड करना चाहिए, कैसे हाइड करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है, देन इसके बाद डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा, देखिए ये रहा ऑप्शन एच पैनल्स का, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर दोस्तों पैनल्स में आपको जाना है। पैनल्स में जाने के बाद दोस्तों कॉर्नर पे ऊपर 3 डॉट इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गए, एप्स आ गया, स्मार्ट विजिट, स्मार्ट सेलेक्ट आ गया, टास्क आ गया एंड क्लिप बोर्ड आ गया।
अब क्लिप बोर्ड को यहाँ पर जिसको आप एक्सेस नहीं करना चाहते, मतलब लॉक के बाद ये सब एक्सेस नहीं होगा अगर आप टिक कर दोगे। जैसे कि मैंने क्लिप बोर्ड को यहाँ पे लगा दिया है, टिक कर दिया है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, देखिए क्लिप बोर्ड अब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। जब अपने फोन को अनलॉक करूंगा उसके बाद ही क्लिप बोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग ये दोस्तों लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है, तो उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन का, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पे आपको जाना है। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे शो कंटेंट, हाइड कंटेंट, शो कंटेंट व्हेन अनलॉक्ड एंड लास्ट में भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन टू शो। तो अगर आप हाइड कर दोगे तो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन जो कि वो हाइड हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है शो कॉन्टेंट व्हेन अनलॉक्ड, और ये ऑप्शन अगर आप लगा दोगे तो आपका जो कॉन्टेंट है वो अनलॉक करने के बाद ही शो होगा। और यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन होगा शो कॉन्टेंट और उसके आगे देखिए सेटिंग का बटन है, देखिए मैं दिखाता हूँ उस पर। अगर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐप्स, सारे ऐप्स होंगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से इनको मैनेज कर सकते हो, मतलब लॉक स्क्रीन जो नोटिफिकेशन आपको किस किस के चाहिए तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने हिसाब से जिन ऐप्स को देना चाहते हो उन्हें दे सकते हो, बाकी को डिसेबल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से न्यू वीडियो एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखना चाहते हो सैमसंग सेटर, तो चैनल को सब्सक्राइब